हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होम डेकोर आइडियाज जिन्हें मैंने अंडर 30 रुपीज़ में बनाए हैं। मतलब कोई भी एक DIY अगर पर्टिकुलर आप देखोगे तो वो अंडर 30 रुपीज़ में बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, सो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं इनकेस अगर आपको कोई चीज़ लोकल मार्केट में नहीं अवेलेबल हो रही। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे अभी से लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया हो। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट DIY के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ग्लिटर फोम शीट, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे बनाने वाली हूँ मैं वॉल हैंगिंग, जो आजकल ऐसे वॉल हैंगिंग ना बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। इस तरह से बोहो भी वॉल हैंगिंग होते हैं, पर मैंने सोचा है कि मैं इसे थोड़ा सा ग्लिटरी एंड शाइनी बनाऊंगी। तो इस तरह से कुछ मैंने पार्ट्स कट कर लिए हैं और ये सारे जो पार्ट्स मैंने बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे कटिंग एक ही शीट में बन गए थे। साथ में मैं स्टिक करने के लिए ले रही हूँ फेवी बॉन्ड थ्रेड और ये एक हुक। अब हमें इसे हैंग करने के लिए एक हुक की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैंने हुक को जो है थ्रेड से नॉट कर लिया है। इसके नीचे मैं एक मोती डाल रही हूँ और उसको भी एक नॉट लगा लूँगी। तो मोती यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक मोती को अंदर डालूँगी और मैंने नॉट लगा कर यहाँ पर फेवी बॉन्ड से स्टिक कर दिया है। अब इन सारे कटआउट्स को मैं यहाँ पर असेंबल करूँगी। तो इसके लिए मैंने फेवी बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ और जो भी शेप्स एंड साइज़ है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यह हर साइज़ और शेप में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब सारे स्टिक होने के बाद एक छोटा सा टैसल मैंने बना कर लिया है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं। और नीचे एक मोती डालकर मैंने नॉट लगा दी थी। अब सेम जो ये साइजेस थे ग्लिटर पेपर के, उसी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने एक पतला सा कार्डबोर्ड कट कर लिया था और सारे जो चीज़ें हैं मैं आपस में स्टिक कर दूंगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फेविकॉल, आप इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर अगर आप कार्डबोर्ड लगाएंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने कार्डबोर्ड यहाँ पर प्लेस किया था। अब हम देखते हैं इसका फाइनल लुक कि ये कैसा लग रहा था। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने ये फेविक्लिक का मोल्डेड क्ले लिया है। तो ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा 30 रुपीज़ में। अगर आपको नहीं मिलता है लोकल शॉप में तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर ज़रूर चेकआउट करना। दो कॉम्पोनेंट होते हैं जिन्हें आपको अच्छे से मिक्स करना होता है या फिर इक्वल क्वान्टिटी में। अब मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ ज्वेलरी ट्रे, तो इसके लिए मैंने ये पूरा क्ले ले लिया था और बहुत ही अच्छा सा देखिए आप मैंने मिक्स कर लिया था। अब थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेके मैं इसे फ्लैट करूँगी ताकि ये स्टिक ना हो हाथों पर। तो इसे मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ कुछ भी, मतलब मेरे घर के बाहर जो भी छोटा सा एक प्लांट था उसके मैंने कुछ तोड़ कर लाया था ये एक स्टेम, एंड उसको मैंने अच्छे से रख के प्रेस कर लिया है। और अब इसे हम निकालेंगे और अच्छे से निकालने के बाद एक कोई भी प्लेट लेंगे जिसके ऊपर हम इसको एक शेप दे सकें। तो देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर टेक्सचर आ चुका है। तो मैं इसे ना हल्के हाथों से निकालूंगी, वरना ये इतना सॉफ्ट है ना फिर ये अचानक से दूसरे शेप्स ले लेगा, इसलिए बहुत ही आपको डेलिकेट से इसे निकालना है। और इस तरह से मैंने एक प्लेट यूज़ की है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर उसको कुछ लगा लें। मैंने थोड़ा सा ऑयल या फिर आप लोशन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से डालकर इसे रख दीजिए, अच्छे से ड्राई होने दीजिए 5-6 घंटे तक। इसके बाद देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और बहुत इजीली निकल जाएगा ये। और इसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैंने ऑयल लगाया था तो थोड़ा सा मैंने इसे पानी के साथ भी क्लीन किया था। इसके बाद हम फर्स्ट कोट लगाएंगे एक्रेलिक कलर का, पर मैंने बाद में ऑब्जर्व किया ये एक्रेलिक कलर अच्छे से नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर चॉक कलर अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से आपको पेंट कर लेना है इसको। और ड्राई होने के बाद अब ये जो टेक्सचर था इसके ऊपर मैंने उसको हाईलाइट किया है गोल्ड एक्रेलिक कलर के साथ। आप यहाँ पर कोई भी दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे डिफरेंट कलर के साथ भी ट्राई कर सकते हो, पर मुझे वाइट और गोल्ड कॉम्बिनेशन चाहिए था इसलिए मैंने इसी कलर में इसको कलर कर दिया है। अब एजेस को भी हल्के से गोल्डन कलर के साथ मैंने कलर कर दिया है। इसके ऊपर मुझे 2 से 3 कोट लगाने पड़े थे तब इतना प्यारा कलर ये आया है, वरना ये वाइट था इसलिए आपको थोड़ा सा 2 से 3 कोट लगाना ज़रूरी है।
ये कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैंने वॉर्निश भी लगाया था एंड अभी तो ये यूज़ करने के लिए रेडी भी हो चुका है और मैं अपनी ज्वेलरी इसमें रखने वाली हूँ। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस DIYs, दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आप उसको यूज़ भी कर सकते हो एज अ वॉल हैंगिंग या फिर ये ज्वेलरी के लिए ट्रे हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। कैसे लगे हैं आपको मुझे जरूर कमेंट में बताना, इनमें से कौन सा फेवरेट रहा वो भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल DIYs के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।